नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रमा जादौन और खबर भिंड से आ रही है। मध्य प्रदेश चुनावी भंवर में है मेहगांव गोहद विधानसभा। मेहगांव में चुनावी सभाओं का निरंतर आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी की आम सभाएं ज्यादातर होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में अन्य चुनावी दल अपने अपने आप को मजबूत करने के लिए आम लोगों से निकटता बढ़ाने में लगे हैं। मेहगांव बसपा प्रत्याशी मेघ सिंह नरवरिया से जब बात की गई तो प्रत्याशी ने अन्य पार्टी पर अपना हमला बोल दिया। बसपा प्रत्याशी मेघ सिंह नरवरिया ने जनसंपर्क आमजन से किया तो बसपा की रैली में एकजुट भीड़ दिखाई दी, जिसको देख आमजन भी बसपा का ताना बाना बुनने लगे। ऐसे में कांग्रेस पार्टी बीजेपी कार्यकर्ताओं में सुगबुहाट महसूस होने लगी है। प्रत्याशी योगेश मेघ सिंह नरवरिया के साथ कुछ विशेष बातचीत हुई। एक और प्रत्याशी भानु प्रताप सिंह गुर्जर को भी भिंड दतिया लोकसभा में चुनाव के लिए प्रभारी भी बनाया गया था, जो कि बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर अब समाजवादी पार्टी का दामन थामकर चुनाव लड़ने के लिए अपना दमखम आजमा रहे हैं। ऐसे में गुर्जर समाज, यादव समाज का भी समाजवादी पार्टी पर ध्यान आकर्षित होने लगा है। हालांकि समाजवादी पार्टी ओर से कोई भी प्रचार नहीं है। कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भाजपा पार्टी, सपा पार्टी, अन्य निर्दलीय प्रत्याशी के चुनाव प्रचार प्रसार करने में होड़ सी लगी हुई है, जो कि मतदाताओं को लुभावने सपने दिखाने में लगे हुए हैं। प्राइम न्यूज 24 के लिए ब्यूरो इमरान अली खान की रिपोर्ट। बताइए, चुनाव चल रहा है और आप चुनाव मैदान में हैं, बताइए। सर, मैं योगेश नरवरिया, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी, मेहगांव क्षेत्र से किरवा बारह प्रत्याशी हूँ। जिस तरह आप देख रहे हैं कि कांग्रेस व भाजपा राजनीति गंदा खेल खेल रही है, उससे क्षेत्र में जनता बहुत परेशान है। आप जनता के पास इन दोनों के छोड़कर कोई विकल्प नहीं बचा, सिर्फ विकल्प बचा है बहुजन समाज पार्टी, जो एक गरीब जनता की पार्टी है, गरीबों के हित में कार्य करेगी। मैं गरीब का बेटा हूँ और एक किसान का बेटा हूँ और उनके लिए मैं हमेशा लड़ाई लड़ूंगा। मैं प्रतीक्षा लेता हूँ कि गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए मैं 24 घंटा उनके साथ दूंगा, उनके हमेशा सुख दुख में साथ दूंगा, हमेशा कंधे से कंधा मिला के रहूँगा। धन्यवाद।